कोर्ट का तीनों अपराधी युवती को जान से मारने की धमकी दे रही। महेश पूरी घटना को झिंझाना थाने में तहरीर देकर अपने साथ दुष्कर्म के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रही है। वहीं पिंकी नाम की औरत जो कि उसको बहला फुसला कर ले गई थी, उसको भी सख्त से सख्त सजा दिलाने की पुलिस ने तहरीर लेकर जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। कहाँ से हो जी आप? अच्छा जी, आप यहाँ शामली एसपी ऑफिस में आई हो आप, तो क्या मैटर है आपका, किस लिए आई हो एसपी साहब से मिलने? किसने किया? थोड़ा तेज आवाज होंगे। अच्छा, घर तो 500 रुपए घर दिए हमने, मेरे तो 5000 अग्गा हमने दिए। अच्छा, तो ऐसा ऐसा करके करवाया जी। कहाँ ले गए? सहारनपुर के बीच। अच्छा, कौन कौन थे वो लोग? 3 लोग थे जी। अच्छा, जानते नहीं आप उन्हें? नहीं जी। अच्छा, मैं तो पहली बार गई थी जी उसके अकेले। अच्छा, तो कौन ले गया था आपको? पिंकी ले गई थी। पिंकी कौन है? मंकी आ जी, गाँव की भूखी मांग रही थी। अच्छा, तो फिर कब आए आप वहाँ से, कैसे आए आप? मुझे तो जी छोड़ आई थी वह। कहाँ? वापस कैसे आए? पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने वहाँ पकड़ लिया था जी, वहाँ के नाम जनता रोड पे गाड़ी खड़ी थी जी उनकी। आपको? उसको भी, मुझको, दोनों को पकड़ा था जी। अच्छा, एक लड़का और था। अच्छा, फिर आपने वापस आके कहीं तहरीर नहीं दी आपने थाने में? अभी तो आए थे हम। अच्छा, कल की बात है। हाँ जी, कल की बात। अच्छा, तो आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं एसपी साहब से? इंसाफ चाह, मेरे तो जिंदगी बर्बाद कर दी जी ने। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सुशील है जी। कहाँ से हो जी आप? मैं बोगवाजरा से। अच्छा, आप शामली एसपी ऑफिस में आए हो जी, तो क्या मामला है आपका, क्या हुआ आपके साथ? सर, घटना तो ये हुई, मैं तो बाहर काम करता हूँ। अच्छा, पिंकी है इसमें, साइकिल पे हूँ जो मतलब इसमें ब्लॉक में होती है। गांव के आपके? हाँ जी। क्या किया उसने? मेरे घर वाले को पहला फुसला के 500 रुपये दिए पहले, फिर पहला फुसला के वहाँ ले गई सारण को धंधा कराने के लिए। ये धंधा कराती है, पहले भी ले जाती है, इसका पहले से रिकॉर्ड है, पूरे गांव में पूछ सकते हो। अच्छा, तो इसने मतलब इससे वहाँ गलत काम कराया, गलत काम कराने में पुलिस ने पकड़ ली, लेडीज़ पुलिस ने। तो लेडीज़ पुलिस ने गाड़ी में ही मोटे पैसे ले गए भाई, मामला रफा दफा कर दिया, बिल्कुल कोई सबूत नहीं छोड़ा, बिल्कुल सबूत भी ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। अच्छा जी, और इसका जो घरवाला है करमवीर, वो भी इसका पूरा साथ देता है इस चीज़ में, पूरा पैसा खाता है इसका। तो आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं इसके हिसाब से? हम तो ये कार्रवाई करते हैं कि मतलब दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमारे साथ तो होगी, किसी और के साथ ना हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जी। आरोपियों को जानते हैं आप? हाँ जी, जानते हैं। क्या क्या नाम है उनके? एक करमवीर है, उसकी घरवाली पिंकी है। अच्छा, टीवी के लिए अनुराग धानिया के साथ नीरज गौतम की रिपोर्ट, शामली। बहराइच के रुपईडीह में सशस्त्र सीमा बल के 42वें बटालियन के सहायक कमांडेंट जगजीत बहादुर जगुआर ने बताया कि मानव तस्करी की एक घटना की जानकारी हुई, जिसे संज्ञान में लेते हुए